वेलकम टू एम एकेडमी। हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ मैं फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हरीश कुमार यहां पर एज ए जनरल अवेयरनेस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हुआ। तो क्या क्या वहाँ पर हम क्वेश्चन कवर करेंगे वहाँ पर तो बात होगी, लेकिन आप लोग यहाँ से जल्दी जुड़िए और जो भी अपने फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दो, सबको बता दो कि हमारी क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। मेरी ऑडियो वीडियो में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे एक बार प्लीज यहाँ पे कमेंट्स कर दीजिएगा, मेरी आवाज वॉइस में कोई दिक्कत हो तो, और फास्ट आप लोग यहाँ से कनेक्ट हो जाइए ताकि हम अपने जो आज का सेशन है उसका शुभारंभ करें। ठीक है, तो फास्ट यहाँ से जुड़िए दोस्तों। वेरी वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यस, जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए, जल्दी से यहाँ पे शेयर भी कर दो और बताओ कमेंट्स करके कि क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है या नहीं। यस, जी हाँ, हमारा जो अभी सीरीज है वो अभी जनरल अवेयरनेस का रहेगा और इसके बाद फिर हमारा जो एक और क्लास है दोस्तों वो हमारा क्वांट सीरीज का रहेगा, तो वहां पर भी हम लोग बात करेंगे। बहरहाल अभी इस क्लास पर हमारी करंट अफेयर्स की क्लास है जहाँ पे हम मंथली करंट अफेयर्स को इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पे कंप्लीट करेंगे आप लोगों के लिए। सो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास और जैसा कि है शुभारंभ करना है हमें। हाँ जी, हमारी आवाज आ रही है बिल्कुल। ओके ओके, वेरी वेरी गुड वेरी। चलो शुरुआत करते हैं। जो भी यहाँ पे जोड़ रहे हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं? चलिए, सो इस स्लाइड पे हमारी बात होती है फ्रेंड्स। आप अगर अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान पे आना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोग के लिए एक काफी अच्छा अपडेट बता दूं कि आप लोग जो है इस कोड का यूज कर लीजिएगा जिससे मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंट डिस्काउंट एप्लीकेबल होता है इस कोड के माध्यम से। यदि प्लस सब्सक्रिप्शन में आप आ रहे हैं जहाँ पे टारगेट कोर्स की बात करते हैं, तो टारगेट कोर्स बिल्कुल आपको आना चाहिए, क्योंकि प्लस सब्सक्रिप्शन में आने पर ही आपके 100% आपके सफलता सुनिश्चित होती है। इसलिए फटाफट आज ही सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। बैंक एग्जाम सब्सक्रिप्शन से लेकर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस से के अलावा एसएससी, रेलवे और गेट टुगेदर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होते हैं सबके प्रिपरेशन यहाँ पे होती है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको बता दूं कि स्कूली बच्चों के लिए भी यहाँ पर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेशन, आपके रिलेटिव में भी जो भी बच्चे हैं जो आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी काफी अच्छा सुनहरा मौका है। वो अन अकेडमी के साथ जुड़कर काफी अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। साथ में सीबीएसई बोर्ड के सभी क्लासेस की तैयारी, मीन्स हम कह सकते हैं कि 6th क्लास लेकर जो है 12th क्लास तक के सभी बच्चों के लिए यहाँ पर काफी अच्छे कोर्सेस दिए जा रहे हैं, तो आप लोग यहाँ से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस कोड का यूज कीजिएगा जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मेरा नाम है हरीश कुमार और मैं आप सबका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 10 सालों का है दोस्तों, और मैंने 15,000+ स्टूडेंट को अभी तक मेरी लाइफ में मैंने गाइड किया है। एज ए बैंकिंग एस्पिरेंट के नाते उनको मैंने काफी अच्छे यहाँ पे कोशिश की, अपने तरफ से एक मेहनत किया उनके पीछे, और ऐसे ही आप लोगों से खूबसूरता खूबसूरत रिलेशन के साथ हम कनेक्ट हैं। और उनका नाम अन अकेडमी, जहाँ से हम कनेक्ट होके आप लोगों से मुखातिब हो पाते हैं, और अन अकेडमी के साथ यूट्यूब जैसे काफी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए हर रोज यहाँ पर ढेर सारे कंटेंट के साथ मुलाकात होती है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा जिस चैनल से आप हमारी क्लास को देख पा रहे हैं, और जितने भी यहाँ पे एजुकेटर्स अलग अलग क्लास ले रहे हैं सभी की क्लासेस देखा करें, सबका शेड्यूल यहाँ पे लिया करें। साथ में अन अकेडमी का एप्लीकेशन आपने डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट अन अकेडमी का एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि अन अकेडमी के एप्लीकेशन पर फ्री क्लास भी होती है, और साथ साथ में मैं बता दूं कि छोटे से मिनिमम प्राइस पर आप लोगों को टारगेट बैच मिल जाता है, फोकस्ड बैच मिल जाता है, डेडिकेटेड बैच मिल जाता है, जहां से 101% आपकी सफलता सुनिश्चित होती है। इसलिए आज ही प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। और कुछ अच्छे अपडेट्स आपके लिए और भी हैं जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी एक ऐसा लर्निंग प्लेटफॉर्म है दोस्तों जो इंडिया के कोने कोने से टॉप के एजुकेटर्स यहाँ से कनेक्ट हैं, और आप लोगों के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, आपके सिलेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं। डेली यहाँ पर लाइव क्लासेस दे रहे हैं जहाँ पे फ्री क्लासेस भी दी जा रही है जिसे स्पेशल क्लास कहा जाता है, और प्लस कोर्स भी लॉन्च की जाती है जो कि काफी मिनिमम प्राइस पे यहाँ पे मिल रहा है।
साथ में आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस की फैसिलिटी के साथ स्ट्रक्चर कोर्स भी दिया जा रहा है, बेहतर स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे मिलता है, जो कि अल्टीमेटली मैं कहूँ तो एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ साथ आपको रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे दिया जा रहा है। एंड देन आपको बता दूं लास्ट में जो ये वाली जो फैसिलिटी है ना अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी, ये तो और भी खूबसूरत फैसिलिटी हो जाती है आप सबके लिए, क्योंकि यहां से आप लोग अगर कनेक्ट होते हैं तो अनलिमिटेड एक्सेस की फैसिलिटी कैसे मिलती है कि आप चॉइस ऑफ टीचर्स और चॉइस ऑफ बैचेस की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन से टीचर से पढ़ाई करेंगे और कौन से टीचर से पढ़ाई नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब ये चूज करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट्स को होता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेट एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो अनअकैडमी के साथ आज ही जुड़िए, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और फटाफट गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। जितने भी हमारे टॉप के एजुकेटर्स हैं सभी के क्लासेस फ्री में आप देख पाएंगे। याद रखिएगा, जब भी आपको अगर किसी कोड की जरूरत होगी तो इसी कोड का यूज करेंगे। HK2020 पूरे क्लासेस के दौरान हम सिर्फ और सिर्फ इसी कोड की बात करेंगे। बात करें वेरीफाइड एज ए एजुकेटर जुड़े रहने की, तो मैं आपसे बिल्कुल निवेदन करूंगा कि आप मुझे फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फॉलो करने के बाद ही मेरी फ्री क्लासेस आप लोग देख पाएंगे। साथ में आप एजुकेटर्स की कैटेगरी में आप मुझे जुड़ेंगे बैंकिंग कैटेगरी में, क्योंकि मैं बैंकिंग कैटेगरी में अभी एज ए जनरल अवेयरनेस और एजुकेटर के तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। मेरा कोड है HK2020 और आप मेरी क्लास से अगर संतुष्ट हैं तो डेफिनेटली आप मुझे इस हैड को डेडिकेट कीजिएगा। एक और अपडेट है यहाँ से, मैसेज का एक छोटा सा बॉक्स होता है, यदि आपको कोई भी क्वेरीज हो, समस्या हो, कोई भी आप मुझसे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कोई आप बात हमें रखना चाहें या कोई चीज पूछना चाहें एग्जाम से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, अपना मैसेज जो है यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। एंड देन टेलीग्राम चैनल, ये भी इम्पोर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप सिर्फ मेरी क्लास ही तो नहीं पढ़ेंगे, आपको और भी एजुकेटर्स को देखना होगा, तो इनके क्लासेस का टाइमिंग क्या होता है ये आपको कहाँ से पता चलेगा, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, इस चैनल से आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर सिर्फ वाईफाई स्टडी ही लिखेंगे तो भी यही हमारा चैनल है। किसी भी चैनल से आप जुड़िएगा जो अनअकैडमी से कनेक्ट है, आपको कहीं ना कहीं हमारे सारे क्लासेस शेड्यूल आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी। एनएन मैं बता दूं आप लोगों को यूज कौन सा करना है कोड, तो फिर से वही कोड की बात करूंगा जिससे एक और ऑफर मिल रहा है, मेगा ऑफर कह सकते हो। ऑफर कौन सा है, 2 महीने के सब्सक्रिप्शन प्लान में, एक साल के सब्सक्रिप्शन प्लान में 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री, लेकिन जरूर ध्यान रखिएगा लिमिटेड पीरियड ऑफर है फ्रेंड्स। और लिमिटेड पीरियड का मतलब ये समझते हैं कि महत्ता तभी होती है उसकी जब किसी चीज को समय में ही उसकी कद्र हो जाए, और इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का जो है ज्यादा से ज्यादा आपको एक्सेस करनी है इस कम समय में, क्योंकि यहाँ पर डिमांड ज्यादा है और सुविधाएं उनके हिसाब से कम हो सकती है आपके लिए। इसलिए सुविधाओं में कमी नहीं है अनअकैडमी में, लेकिन टाइम जरूर कम है, इसलिए समय के साथ जो है आप लोग जरूर जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको भी इस अवसर का फायदा मिल पाए। आगे बढ़े दोस्तों, यहाँ पे तो टॉप एजुकेटर्स की बैच तो बिल्कुल आ चुकी है और आप लोग को लेट नहीं करना है। 19 मई से इसको शुभारंभ हो चुकी है और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे जितने भी टॉप के एजुकेटर्स हैं सबकी कड़ी मेहनत से कुछ अच्छे सार्थक बैचेस बनाई जा चुकी है और बन भी रही है, जिसमें आप लोग जुड़कर अपने एग्जाम को 101% यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। तो कैसे ये क्रैक करेंगे और क्या क्या बैचेस आई हुई है, यस पर भी अगर हम बात कर लें तो ढेर सारे कंटेंट को आपको यहाँ पे मिल ही रहे हैं। एवरी मंथ 70+ टीचर्स यहाँ पे मेहनत करते आपको दिखेंगे। आप सबके लिए यहाँ पर अलग अलग टॉप के एजुकेटर्स चुने जाते हैं अनअकैडमी पे एवरी मंथ और उनकी बैचेस का शेड्यूल आप लोग को दिया जाता है। बैचेस क्या क्या है मैं बता दूं, एक्सेलेरेटर बैच SBI क्लर्क 2021 के लिए, जहाँ पर डेडिकेटेड टीचर्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं इन सभी फैसिलिटी के साथ में। एंड देन आपको बता दूं यहाँ पर रणविजय बैच CET एग्जाम को लेकर इसका आगाज हो चुका है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट जो ईयर है, कह सकते हैं कि आने वाला भविष्य जो है वो CET सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट को रहेगा, जहां से जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स हैं मैक्सिमम वो यहीं से कंडक्ट होने वाले हैं। तो इसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे इस नैया से आपकी पार हो जीवनचर्या, ये कहे अगर हम कहे ये कि आप 100% सफलता कैसे मिले, तो ये दोस्तों आपके एक कदम आगे बढ़ जाने से ही पॉसिबल है। कैसे,
कि आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लीजिए, और जितने भी बैचेस मैं दिखा रहा हूँ, जितनी भी फैसिलिटी मैंने दिखाया, सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद वो सारी फैसिलिटी। ओके, वेलकम वंस अगेन। थोड़ा सा बफरिंग की प्रॉब्लम थी दोस्तों, आई थिंक अब कोई समस्या ना हो तो एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दीजिए, कोई समस्या तो नहीं है। गणेश जी, वेरी वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ, अभी थोड़ी समस्या थी क्लास में, आई थिंक अब कोई दिक्कत ना हो, मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोग के पास, तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए कोई प्रॉब्लम है या नहीं। ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके ओके, चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। चलिए, तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया के बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट से आप लोगों को जुड़ने का मौका दे रही है अनअकैडमी, जहाँ से आप लोग अच्छे से स्कोर कर जो है आप लोग को काफी अच्छे स्कॉलरशिप यहाँ से मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी? फ्री में आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, एज के 2020 स्कोर को लगाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस टेस्ट को दे सकते हैं। कॉम्बैट सीरीज जो है वो टोटल, आप ऐसी बात नहीं कि आपको सिर्फ लैपटॉप में ही देने का मौका मिलेगा, आप इसको एंड्रॉयड मोबाइल पे भी अपने घर बैठे इस टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, और जहाँ से ज्यादा से ज्यादा स्कोर करके आप ये सारे फीचर्स जो आप देख पा रहे हैं, ये इसके हिसाब से आपको अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो एवरी संडे 10 AM को, 10 AM को आपको संडे को ये टेस्ट होता है, और इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। टोटल ये फ्री होता है, और यहाँ से आपको अच्छे स्कॉलरशिप मिल जाते हैं, जहाँ से आप लोगों को अनअकैडमी से जुड़ने का मौका मिल रहा है। बैंक अल्टीमेटेड टेस्ट ऑफर 100+ फुल लेंथ मॉक कवरिंग ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर हम बात करते हैं, वर्थ 2500 फ्री विथ 1 ईयर एंड ऑनवर्ड सब्सक्रिप्शन, ये आपको मिलेगा। साथ में आपके लिए ढेर सारे ये भी कंटेंट है, और ये तो इम्पोर्टेंट ही है कि आपको 1 साल के सब्सक्रिप्शन में 2 मंथ का और 2 साल के सब्सक्रिप्शन में 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक साथ मिल ही रहा है। लिमिटेड पीरियड ऑफर जरूर है, लेकिन काफी अच्छी फैसिलिटी है दोस्तों। बहुत कम समय में आप लोगों को फटाफट ये निर्णय ले लेना है कि कैसे आप अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं। इंट्रोडक्टरी ऑफर भी चल रहा है, 99% के साथ आरबीआई बैचेस की शुरुआत हो चुकी है, 9 जून से जो है ये अपडेट हो जाएगा, तो 9 जून से बिल्कुल इसको इन्वॉल्व कर लीजिएगा। एंड एन लास्ट में जो बात होनी चाहिए, हमारी 6,500 रुपये फीस 1 साल का और 7,800 रुपये फीस 2 साल का, जहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड से मिल जाएगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस कोड को यूज कीजिएगा, जहां से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है फ्रेंड्स। एंड एन लास्ट में जो अपडेट मुझे देनी है वो है हमारे सिलेबस पे, जहाँ पे हम जनरल अवेयरनेस का सिलेबस कवर करते हैं, इसी पैटर्न पे जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस भी पढ़नी होती है। साथ में बात करें तो करंट अफेयर्स वीकली अपडेट यहाँ पे होता है, जहाँ पे ढेर सारे ये जो सब टाइटल्स आप देख रहे हैं, जहाँ से कोक्स हेडक्वार्टर्स, नेशनल पार्क, समिट, टीम्स, मिनिस्टर नेम, गवर्नमेंट स्कीम, फेस्टिवल डांस, कोक डांस, इसके साथ जो है फेस्टिवल और फोक डांस की बात करेंगे, फाइनेंशियल टर्म्स, फुल फॉर्म, रिसेंटली रिपोर्ट्स, इंडेक्स, बजट क्या कह रही है, नी इनोग्रेशन, ऐसे कुछ सब टाइटल्स है जहाँ से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे कुछ और सब टाइटल्स बन सकते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं, जिसमें बैंकिंग, आरबीआई न्यूज अनाउंसमेंट, फाइनेंशियल न्यूज गाइडलाइंस, ये क्या कह रही है जो है आरबीआई का, ये सारी चीजों से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑपरेशन में बात करेंगे तो नेशनल और अदर डिफेंस लेवल के जो आपके ऑपरेशन होते हैं, वहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अवार्ड्स, ऑनर्स, न्यू अपॉइंटमेंट चेयरपर्सन, गेम्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमिटी एंड मिसलेनियस टॉपिक ऑल्सो, ये सारे कंट्री कैपिटल करेंसी से भी आपके ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। सीएम और गवर्नर्स के नाम याद रखने हैं, और जहां तक हम बात करें तो डेम्स और पावर प्लांट जैसे चीजों से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ओवरऑल कंप्लीटली आपको ये सब टाइटल्स ध्यान देने हैं जनरल अवेयरनेस की तैयारी के लिए। ओके फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे आज के करेंट अफेयर्स पे। तो करेंट अफेयर्स सिर्फ आज का नहीं है, यह मंथली करेंट अफेयर्स का पैटर्न मैं यहाँ पे आप लोगों को दे रहा हूँ।
लगभग मेरे पास 70+ क्वेश्चन यहाँ पे हैं, और इन सब क्वेश्चन पे हम एक एक क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ेंगे। आप कोशिश करेंगे कि अल्फाबेटिकल यहाँ पर आंसर दे पाए, आंसर नहीं दे पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारे पास इसके काफी अच्छे अपडेट्स हैं जिसे हम आपके लिए पढ़ेंगे और आप आगे बढ़ते चलेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22 अकॉर्डिंग टू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्च। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रिसर्च के हिसाब से अभी प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए क्या कह रहा है, ये आप परसेंट वाइज यहाँ पे बता सकते हैं। व्हाट इज द परसेंट, तो फास्ट कमेंट्स करके बताइए दोस्तों यहाँ पे परसेंट क्या रहा होगा। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, समय कम दूंगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा जल्दी से आंसर दे पाए, अन्यथा हम फटाफट स्लाइड आगे करेंगे और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अपडेट करते चलेंगे, क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा हमें कवर करने हैं। तो जैसा कि इस क्वेश्चन पे हम बात कर लें फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए परसेंट की बात की जाएगी तो 8.5, 9.9, 10.4, 10.9, देन 11.8। और मैं आप लोगों को लेके चलना चाहूंगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अपडेट की ओर, जहां पर हमारा राइट अपडेट कह रहा है फ्रेंड्स 10.4%। ठीक है, 10.4% जो है ये प्रोजेक्टेड परसेंट बताया गया है एसबीआई रिसर्च टीम के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए इंडिया का। क्वेश्चन नंबर टू, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एचडीएफसी बैंक पार्ट टाइम चेयरमैन। तो एचडीएफसी पार्ट टाइम चेयरमैन की अगर हम बात करेंगे तो हमें पहुंचना होगा बी ऑप्शन पर, अतनु चक्रभारती। अतनु चक्रभारती याद रखिएगा, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर। पूर्व में फॉर्मर इकोनॉमिक अफेयर देखने वाले अतनु चक्रभारती जी को एज ए पार्ट ऑफ चेयरमैन एंड एडिशनल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया है ऑफ द प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक एचडीएफसी का। तो ये काफी अच्छा अपडेट है, याद रखिएगा एचडीएफसी की पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पे आपको इनका नाम याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में यह अप्रूव्ड कर दिया गया है एचडीएफसी बैंक के लिए। ओके, अतनु चक्रभारती। चलते हैं एक और अपडेट की ओर, जहां पे क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एवरी ईयर जो है नेशनल पंचायती राज डे ये मनाया जाता है दोस्तों। अब मनाया कब जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है, 22, 23, 24, 25, 26। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट ऑप्शन की अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट ऑप्शन यह रहेगा दोस्तों सी ऑप्शन, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल एवरी ईयर नेशनल सेलिब्रेट्स नेशनल पंचायती राज डे की अगर हम बात करते हैं तो 24 अप्रैल एवरी ईयर द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ऑर्गेनाइज द नेशनल पंचायती राज डे और नेशनल लोकल सेल्फ डे। एंड एन क्वेश्चन नंबर फोर, ऑन विच डेट वर्ल्ड वेटनरी डे इज सेलिब्रेटेड। 4th Saturday of April, 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 4th Sunday of April एंड 29 अप्रैल। तो यहाँ पे समय है काफी आपके पास, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिएगा आप लोग भी तो ज्यादा बेटर होगा। ऑप्शन जरूर देना है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन जरूर देना है। यस, वेरी वेरी गुड इवनिंग। अच्छा, ई ऑप्शन कह रहे हैं आप, 29 अप्रैल। चलो ठीक है, और किसी का आंसर आ रहा है भाई, एनीवन? जो आंसर देना चाह रहे हैं जल्दी से दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स ए ऑप्शन, 4th Saturday of April, अप्रैल का जो लास्ट जो सैटरडे होगा आपका, 4th नंबर का जो सैटरडे होगा उसी दिन जो है वेटनरी डे मनाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये आप ध्यान रखिएगा एवरी ईयर 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर फाइव, अमित मिस्त्री। अमित मिस्त्री एक जाना माना नाम है, लेकिन वो कौन से प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं इनके बारे में बताना है। पास्ड अवे रिसेंटली, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ही वॉज एज एन, बताइए
पॉलिटिशियन, एक्टर, फ्रीडम फाइटर, फुटबॉलर या फिर मेंटर, क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कमेंट्स करें और बताएं फ्रेंड्स कि यहां पर ऑप्शन क्या होना चाहिए। अमित मिस्त्री। चलिए तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के अपडेट की ओर, जहां पे आपको कहना है एक्टर। एक्टर के तौर पे जाने जाते हैं और इनकी उम्र मात्र 47 रही है, जहां पे पॉपुलर गुजराती और हिंदी फिल्म एक्टर के तौर पे ये जाने जाते थे। 23 अप्रैल मॉर्निंग में जो है ऑलरेडी इनको मेजर कार्डियर अरेस्ट हुआ, जिनके कारण से इनका निधन हो गया है। तो वो यहाँ पर आप इनके प्रोफेशन के तौर पे याद रखिएगा, ये एक्टर थे, गुजराती और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 बाय द डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोब पीस? सोनिया कुमार, प्रीति, कविता, रश्मि, रुमाना सिंह सहगल। सो गाइस, यहाँ पे कमेंट्स करके बताओ कि यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यस, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ पे ई ऑप्शन आपने कहा तो ग्रेट, बहुत बढ़िया, दैट इज ई ऑप्शन, रुमाना सिंह सहगल। इनका नाम याद रखना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर टर्न एंटरप्रेनर फ्रॉम द हैदराबाद आंध्र प्रदेश, वॉन द नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 बाय द डिप्लोमेटिक मिशन ग्लोब पीस। एंड एन क्वेश्चन नंबर 7, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द कमर्शियल बैंक टू पे अप टू व्हाट इज द परसेंट प्री कोविड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स? क्या परसेंट यहाँ पे होगा? 10, 15, 25, 50 या फिर 75? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 फ्रेंड्स, यस, आपने डी कहा, एनएल रामा, वेरी गुड, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, 50%, 50%, वेरी गुड, 50% जो है प्री कोविड डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर की बात इस साल की गई है। न्यू नोटिफिकेशन, आरबीआई अनाउंस द कमर्शियल बैंक टू पे डिविडेंड नॉर मोर देन 50%। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ऑन विच डेट वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज इज सेलिब्रेटेड एनुअली? क्या ऑप्शन होना चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर? 26, 25, 24, 23, 21। ऑप्शन जरूर लगाइएगा, ऑप्शन जरूर लगाना है आप सबको, ऑप्शन देते चलना है। अगर आपका ऑप्शन गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गेस जरूर कीजिएगा कि ऑप्शन क्या हो सकता है। ऑन विच डे वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरी इज सेलिब्रेटेड एनुअली? तो यहाँ क्या कहते हैं आप लोग का कमेंट्स बताओ, क्या ऑप्शन होना चाहिए? 26, 25, 24, 23, 21। चलिए फास्ट कमेंट्स कीजिएगा। कमेंट सबके आते रहने चाहिए फ्रेंड्स। चलिए, किसी ने कहा सी, किसी ने कहा बी, और हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 24 अप्रैल। अब अपडेट क्या है ये भी सुनिए, चलते हैं अपडेट की ओर। तो बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड डे फॉर एनिमल्स इन लेबोरेटरीज, जिसे डब्ल्यू डी
AIL कहा जाता है, आल्सो नोन एज वर्ल्ड लैब एनिमल डे, और इसे फिर से बोला जाता है वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल एज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल। बड़े क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, इंडियाज रेटिंग एंड रिसर्च IRA हैज रिवाइज्ड डाउनवर्ड द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 21 to 22। व्हाट इज द परसेंट? तो यहां पर मैं डायरेक्ट इसका ऑप्शन आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 में जो अपडेट आया था दोस्तों, यहां पर आप ए ऑप्शन कहेंगे 10.1% पे। इतना परसेंट क्यों? तो हम बात करें इंडिया की रेटिंग एजेंसी जिन्होंने ये रिवाइज्ड डाउनवर्ड जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट फॉर इंडिया ये कहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 के हिसाब से, 21-22 के हिसाब से 10%, 10.1% के हिसाब से। एंड एन क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल, नाम क्या, क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड फॉर वन एंड ऑल? अरुण कृष्णमूर्ति, आकाश रणिंसन, माइक पांडे, दिलीप के विश्वास या फिर TGK मेनन। तो यहां पर अगर हम अपडेट की बात करें, आप लोग ऑप्शन बिल्कुल दे सकते हैं। यस, रितेश ने कहा ई ऑप्शन। ओके, एनीबडी, और कोई, किसी का आंसर आ रहा है, किसी के पास है अपडेट इसके बारे में, तो फास्ट कमेंट्स कीजिए, बताइए क्या ऑप्शन होना चाहिए। Who is the author of the e-book titled Climate Change Explained for One and All? क्या कहते हो यहाँ पे? चलिए बी ऑप्शन, आकाश। ठीक है, द क्लाइमेट एक्टिविस्ट ऑथर आकाश हैज कम आउट विद द न्यू बुक टाइटल क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन्ड। ओके फ्रेंड्स, चलिए भाई जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पे। The government has extended the deadline to make payment under the Vivad Se Vishwas. Kya? Vivad Se Vishwas. What is the new deadline? Kya pata hai aap logo ko Vivad Se Vishwas? Ye jo new deadline hai, kya hai? What is the new deadline? Kitna deadline hai iske liye? गेस करो, जल्दी से बताओ, कमेंट्स का सिलसिला जारी रहना चाहिए। ठीक है, चलो। ओके, और किसी का आ रहा है क्या? हमने तो आंसर भी शो कर दिया। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 पे, 30 जून। 30 जून क्यों? 30 जून, चलो अपडेट की बात करते हैं। The government has once again extended the deadline for the making payment under the direct taxes dispute, the settlement scheme, Vivad Se Vishwas. ये ध्यान रखना। By 2 months till 30 June 2021 to provide the relief to the taxpayer facing and hardship amid the pandemic. और pandemic कौन सा चल रहा है आप सबको पता है, COVID-19 अभी चल ही रहा है, सेकेंड फेज चल रहा है दोस्तों इसका। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए सभी लोग, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। द वरुण 2021 इज द 19th एडिशन ऑफ द बिलेटरल नेवी एक्सरसाइज कंडक्ट बिटवीन द इंडिया नेवी विद द नेवीज ऑफ द विच कंट्री, फ्रांस, रूस, सिंगापुर, श्रीलंका या फिर जापान? तो यहां पे ऑप्शन क्या कहते हैं आप लोग? डी बी। ओके, जैसा कि मैं आपको बता दूं, हमें पहुंचना है ऑप्शन में, फ्रांस। फ्रांस इज राइट ऑप्शन। द इंडियन फ्रेंच नेवी बिलेटरल एक्सरसाइज वरुण 2021 विल बी कंडक्टेड इन द अरेबियन सी फ्रॉम द 25 to 27 अप्रैल 2021। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर फ्रेंड्स।
पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड ए स्कीम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई प्रॉपर्टी कार्ड टू द रूरल पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री ऑन अप्रैल 24, 2021। नेम द स्कीम, आपको स्कीम का नाम बताना है। कौशल, आदर्श ग्राम, समृद्धि, स्वामित्व, स्वरोजगार। चलिए गेस कीजिए यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या ऑप्शन होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन बताइए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, डी ऑप्शन, जहां पे हम बात करेंगे स्वामित्व का। ई प्रॉपर्टी कार्ड अंडर द स्वामित्व स्कीम नेशनल पंचायती राज डे ऑन द अप्रैल 24, 2021 थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग The launch marked the roll out of the implementation of Swamitva scheme across the entire country. ये है हमारा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14। Which of the year of commemorated as World Malaria Day? WMD, World Malaria Day। मैं अपडेट की ओर आपको लेके चलना चाहूंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन 25 अप्रैल। ग्लोबली ये ऑर्गेनाइज किया जाता है ग्लोबली ऑन 25 अप्रैल ईच ईयर टू रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड टू कंट्रोल मलेरिया। तो ये पूरे ग्लोबली वर्ल्ड मलेरिया डे के तौर पे आप लोगों को ध्यान रखना है 25 अप्रैल, 25 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 15। द यूनाइटेड नेशन रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? तो यूनाइटेड नेशनल रिकॉग्नाइज इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे, ये जो डेलीगेट्स डे है ये 25 अप्रैल लास्ट संडे ऑफ अप्रैल, 26 अप्रैल लास्ट सैटरडे ऑफ अप्रैल और 27 अप्रैल, इन सभी ऑप्शन में से आपका जो राइट ऑप्शन रहेगा फ्रेंड्स ये रहेगा 25 अप्रैल ही। तो फिक्स तौर पे याद रखिएगा 25 अप्रैल एवरी ईयर इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे मनाया जाता है टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द रोल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट्स ऑफ द मेंबर स्टेट टू यूनाइटेड नेशन इन द प्रिवेंटिंग वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड द पेविंग द वे फॉर पीसफुल एंड द प्रॉस्परस societies through the dialogue and the collaboration particularly during the most difficult time। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16। जस्टिस नुथलापति वेंकट रमना हैज स्वोन इज एज द व्हाट इज द ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। तो बताइए CJI के तौर पे कितने नंबर के चीफ जस्टिस के तौर पे ये इन्होंने पद भार है मतलब पद ग्रहण किया है ये आपको बताना है। तो कितने नंबर के CJI के तौर पे जाने जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 16 काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जरूर दीजिएगा, गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स आप लोग। ओके चलिए, तो जैसा कि अपडेट में आप लोग को बता दूं यहाँ पे 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली
नुथलापति वेंकट रमना। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। व्हाट इज द थीम सब्जेक्ट ऑफ वर्ल्ड मलेरिया डे 2021? तो वर्ल्ड मलेरिया डे ग्लोबली मनाया जाता है 25 अप्रैल को, हमने अभी बात किया, और इसका थीम अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप डायरेक्ट थीम की ओर पहुंचेंगे जहां पर हम वर्ल्ड मलेरिया डे की बात करेंगे। रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ये इस साल का गोल था, लक्ष्य था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। द इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? तो अगर हम इसकी बात करें इंटरनेशनल चेर्नोबिल डिजास्टर रिमेम्बरेंस की, तो यहां पर आप ऑप्शन कहेंगे अप्रैल 26, 26 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2021? थीम क्या है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे का, ये इस सारे ऑप्शन में से आपको बतानी है। ऑप्शन है पावरिंग चेंज वुमन इन इनोवेशन, इनोवेशन फॉर ए ग्रीन फ्यूचर, रिच गोल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन स्मॉल बिजनेस, ई इनोवेशन एम्पावरिंग लाइव्स। ये सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स। हमारा जो ऑप्शन रहेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्मॉल बिजनेस, जहां से आप कहेंगे टेकिंग बिग आइडियाज टू मार्केट, ऑप्शन नंबर डी। एंड देन क्वेश्चन नंबर 20, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ महाराष्ट्र बेस्ड विच बैंक ड्यू टू इंडिक्वेट कैपिटल? तो बताइए उस बैंक का नाम। बांगोदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड, सिजन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक्स, दुम्बीवली नगरी सहकारी बैंक, जनता सहकारी बैंक, कराद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड। तो कौन सा बैंक होना चाहिए, महाराष्ट्र बेस्ड है, महाराष्ट्र बेस्ट। चलिए फास्ट ऑप्शन पे आइए और बताइए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो सकता है। महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है, इसके बारे में आप लोग को बताना है। आपने कहा यस सेट अजूक, वेरी गुड, आपने कहा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बांग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैंसल्ड द लाइसेंस महाराष्ट्र बेस्ड फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ड्यू टू द इनएडिक्वेट कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 21, एज पर द लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैप इम्पोज्ड ऑन द टेनर दैट एन इंक्यूबेंट एमडी एंड द सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ए होल टाइम डायरेक्टर ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर बैंक कैन हैव? व्हाट इज द टोटल ईयर टेनर बता दीजिए, टाइम पीरियड बताना आपको, कितने वर्षों के लिए क्या होना चाहिए आपको? What is the right option?
ओके, इतने का है 12th। अच्छा, 12 ईयर के लिए। एनएल रामा ने कहा 10 ईयर। ओके, हमें पहुंचना है 15 ईयर पर, 15 वर्षों के लिए, ठीक है ना। टोटल 15 वर्षों के लिए जो है यहाँ पर बात की गई है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज द एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 22 एज प्रोजेक्टेड बाय द गोल्डमैन सैच के हिसाब से आपको परसेंट बतानी है इंडिया के फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट। ओके, तो मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन ही दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 पे, जैसा कि हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पर हमारा परसेंट जो होना चाहिए फ्रेंड्स, ये 10.5% पर बात होनी चाहिए। ओके, चलिए फिर से आगे बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर, अनदर क्वेश्चन नंबर है जो आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट इज द अपर एज लिमिट फिक्स्ड एमडी एंड सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एंड डब्ल्यूटीडीएस इन प्राइवेट बैंक बाय आरबीआई? तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अब एमडी और सीईओ के या डब्ल्यूटीडीएस के प्राइवेट जो बैंक हैं उन सभी में एज लिमिट डिसाइड कर दिया गया, फिक्स कर दी गई। तो ये अपर एज लिमिट कितनी है मैक्सिमम, ये आपको बतानी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर कमेंट्स करके बताओ। फास्ट, सबके कमेंट्स आने चाहिए फ्रेंड्स, सबके कमेंट्स आने चाहिए, सबके ऑप्शन आने चाहिए। चलिए तो अपडेट दे दे क्वेश्चन नंबर 23 का। तो यहाँ पर हमें कहना है डी ऑप्शन 70 इयर्स एज लिमिट है। ध्यान रखिएगा 70 वर्ष जो है वो मैक्सिमम डिसाइड किया गया अपर एज लिमिट के तौर पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड द रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ फॉर द मिसिंग सबमरीन KRI नगल्ला 402। KRI नगल्ला 402 इज द सबमरीन ऑफ विच कंट्री? ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, जॉर्डन या फिर इंडोनेशिया? हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 पे ई ऑप्शन फ्रेंड्स। यहां पर हम इंडोनेशिया की बात करेंगे जो कि ज्वाइंटली रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुआ इंडोनेशिया सबमरीन एंड द 53% क्रू दैट वेंट द मिसिंग मोर देन द 4 डेज एगो। एंड देन लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 25। नेम द यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर हु हैज लेड द ग्लोबल वैक्सीनेशन ड्राइव ड्यूरिंग द वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। तो इस पर ऑप्शन जरूर आप लोग कमेंट्स करके बताएं फ्रेंड्स कि यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए। चलिए बताइए कमेंट्स करके कि ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर। ओके,
एन एन रामा ने कहा बी ऑप्शन, रितेश जी ने कहा सी, एन एन सिड अज्जू डेविड सी ऑप्शन। चलिए बात करते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर। डेविड बैकहम की हम बात करेंगे। यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर डेविड बैकहम इज द फ्रंटिंग ए ग्लोबल इनिशिएटिव टू इंस्पायर द कॉन्फिडेंस इन द वैक्सीन एंड द इनकरेज पेरेंट्स अराउंड द वर्ल्ड वैक्सीन देयर चिल्ड्रंस अगेंस्ट द डेडली डिजीजेस। तो ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन होगा। तो जैसा कि ये ढेर सारे क्वेश्चन की श्रृंखला भी हमारी बाकी है दोस्तों, क्योंकि हमारी अभी एक क्लास और बची हुई है जहाँ पर हम 8:30 को इस क्लास को और भी कंटिन्यू करेंगे ढेर सारे कंटेंट के साथ में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट के साथ और ज्यादा से ज्यादा समय के साथ फिर से आप लोगों से हम मुलाकात होगी। तो 8:30 बजे की आज की क्लास के लिए आप लोग फिर से तैयार रहिएगा, ऐसे ही ढेर सारे क्वेश्चन के साथ में फिर से अभी आप लोगों के साथ मुलाकात करूंगा। तो 8:30 बजे की क्लास में बिल्कुल आप लोग आइएगा, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइएगा। तो 8:30 PM को आज इवनिंग में फिर से हमारी ये वाली क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच आप सबका, और धन्यवाद आप सबका कि आप लोग यहाँ पे जुड़े थे। लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों को एक टाइम शेड्यूल बता दूं कि स्पेशल क्लासेस की हमारे जो टाइमिंग होती है 10:30 और 8 बजे वाली, वो क्लासेस हमें बिल्कुल करनी है। और ये जो 10:30 वाली जो क्लास है इसकी टाइमिंग मैंने थोड़ा सा भी कुछ दिनों के लिए चेंज कर दिया है, 11:30 की क्लास हो रही है। और यूट्यूब क्लासेस की बात करेंगे तो 10:30 बजे और 3:30 बजे एवरी डे मॉर्निंग एंड इवनिंग की क्लास होती है पॉइंट और जीए के तौर पे। तो आप लोग इन सभी क्लासेस को इनरोल कर लीजिएगा, हर रोज आप लोगों से मुलाकात होगी। अभी की क्लास हम यही खत्म करते हैं, फिर से मिलेंगे अभी 8:30 को। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।